तो आज का हमारा टॉपिक है इम्प्लिसिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन ऑफ अ इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है वो आपको पता है? इम्प्लिसिट फंक्शन के ये क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है एज इन एफ ऑफ एक्स वाई, कि अगर हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू जीरो, इस फंक्शन को अगर हम लिख सकते हैं एज इन y is equals to f of x, rewrite करके हम अगर इस फंक्शन को इस फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं तो इस फंक्शन को हम बोलेंगे implicit function। तो इसका हमें differentiation करना है, okay, तो इसका differentiation क्या होगा? dy by dx is equals to f dash x, or we can write that d by dx of f of x, okay? As example, अगर हमारे पास है एक function that is x cube प्लस वाई माइनस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो, ओके, तो ये क्या हो जाएगा? इन दोनों में से y कॉमन निकल जाएगा, तो y अंदर कॉमन, वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू जीरो। तो इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स क्यूब अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये फंक्शन हो गया इम्प्लिसिट फंक्शन, क्योंकि हमने इसको कन्वर्ट कर दिया एज इन y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स क्यूब अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि आपको क्वेश्चन के अंदर चेक नहीं करना है कि ये फंक्शन इम्प्लिसिट है या नहीं है, ओके, आपको जो भी एग्जांपल दिया हुआ होगा ओके उसका आपको डिफरेंशिएशन करना है, वो सारे इम्प्लिसिट ही है, ओके, तो हमें डायरेक्ट से उसका डिफरेंशिएशन ही करना है। तो देखते हैं एग्जांपल्स के, फर्स्ट लेते हैं हम, फर्स्ट एग्जांपल है 2x plus 3y is equals to sin x कि ये फंक्शन है, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? तो डायरेक्टली हम पहले रखेंगे वही हमारा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके, तो सबसे पहले इसको नंबर दे देंगे नंबर वन, ओके, सो राइट डाउन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट, ओके, व्हाट वी गेट डिफरेंशिएशन, ओके, अब इसको डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ऐसे ही लिखेंगे डी बाय डी एक्स ऑफ टू एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल्स टू डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो ये क्या हुआ? अब देखो डी बाय डी एक्स दोनों के साथ जब बाय प्रॉपर्टी में जा रही हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, तो डी बाय डी एक्स ऑफ टू एक्स हो जाएगा, ओके, प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ थ्री वाई हो जाएगा, प्लस इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हमें पता है क्या हो जाएगा? कॉस एक्स, ओके, तो देयरफॉर अब ये जो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? डी बाई टू इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस यहाँ से थ्री बाहर आ जाएगा, थ्री इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू कॉस एक्स, ओके, नाउ वी कैन राइट दिस, नाउ दिस इज टू इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज वन, तो टू इंटू वन हो जाएगा, प्लस थ्री इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, वो क्या हो जाएगा? सेम थिंग, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? थ्री डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स माइनस टू, सो देयरफॉर वी कैन राइट दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स माइनस टू होल डिवाइडेड बाई थ्री। तो ये हो गया हमारा आंसर, समझ में आया? Yes or no? Okay. So, देखते हैं next example. Second है is 2x plus 3y is equals to sin y. Okay. यहाँ पे भी हमें dy by dx फाइंड करना है। देखिए यहाँ पे क्या था, 2x plus 3y equals to sin x था, यहाँ पे 2x plus 3y equals to sin y है, ओके, अभी मैं पूरे स्टेप बाय स्टेप नहीं जा रही हूँ, मैं डायरेक्ट लिखूंगी, अब तो आप लोग समझ ही जाओगे कि तो क्या है हमारा डिफरेंशिएटिंग, इसको वन बोल देते हैं, डिफरेंशिएटिंग वन विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट क्या मिल रहा है हमें? d by dx of 2x plus 3y is equals to d by dx of sin y.
तो इसका डिफरेंशिएशन 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 प्लस 3y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3dy by dx इज इक्वल्स टू sin का डिफरेंशिएशन क्या होता है सॉरी प्लस cos y ओके अब देखिए हमारे पास हमने जो अब तक किया था चेन रूल में वैसा ही है sin y इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा cos y और उसके बाद क्या करना है हमें y का डिफरेंशिएशन भी बाकी तो y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा dy by dx हम मल्टीप्लीकेशन में जो डिफरेंशिएशन रखते थे वैसे ही यहाँ पे भी रखना है इंटू डी वाई बाई डी एक्स सपोज वाई इक्वल्स टू हमारे पास रूट एक्स है तो हम कहते हैं ना डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स वैसे यहाँ पे वाई हमें पता नहीं है क्या है क्योंकि हमने यहाँ पे कन्वर्ट नहीं किया है वाई इक्वल्स टू कौन सा फंक्शन है तो हम यहाँ पे सिंपल से लिख लेंगे डी वाई बाई डी एक्स तो विच इज इक्वल्स टू अब डी वाई बाई डी एक्स एक साइड ले लेंगे और बाकी एक साइड तो क्या हो जाएगा कॉस वाई माइनस थ्री इंटू डी वाई बाई dx is equals to 2 okay तो हमारा dy by dx क्या मिला therefore dy by dx is equals to 2 divided by cos y minus 3 okay समझ में आ गया तो देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 इज ax plus by is equals to cos y ओके तो इसको हम फिर से नंबर दे देंगे दिस इज इक्वेशन नंबर 1 तो क्या होगा डिफरेंशिएटिंग यस मैम उसको हम लोग इसके रिस्पेक्ट में आई वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो चलेगा लेकिन हमें आंसर तो फाइनल डी वाई बाई डी एक्स में ही चाहिए अगर क्वेश्चन में पूछा है कि फाइन डी एक्स बाई डी वाई तो हमें विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करना है लेकिन अगर पूछा है कि फाइन विद रिस्पेक्ट टू फाइन डी वाई बाई डी एक्स तो ये dy by d तो विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है और अगर नहीं पूछा है सिर्फ यही दिया है कि डिफरेंशिएट दिस फंक्शन तो भी हमें dy by dx करना है अगर dx by dy है तो फिर वो वहां पूछा हुआ होगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ dx by dy और फाइंड द फंक्शन विच इज dx by dy ओके तो यहां पे होगा विल राइट दैट डिफरेंशिएट वन विद रिस्पेक्ट टू x we get d by dx of ax plus by is equals to d by dx of cos y okay तो ये क्या हो जाएगा differentiate of differentiation of ax with respect to x is a plus differentiation of by with respect to x is b dy by dx is equals to cos y का differentiation होगा माइनस साइन वाई और वाई का डिफरेंशिएशन होगा डी वाई बाई डी एक्स सो देयरफॉर हियर वी हैव बी प्लस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ए सो देयरफॉर वी कैन राइट दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ए अपॉन बी प्लस साइन वाई So now, fourth one is xy plus y square is equals to 10x plus y. Okay, same thing, call it equation number one. और हम क्या करेंगे डिफरेंशिएटिंग वन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी बाय डी एक्स ऑफ टेन एक्स
प्लस वाई. सो देयरफॉर अभी x into y इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, आप देखिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है दो अलग अलग फंक्शन का, y भी एक x का फंक्शन है और x है, तो मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई होगा. पहले डिफरेंशिएशन y का करते हैं तो हो जाएगा x into dy by dx plus, अब y as it is रखेंगे और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 plus y square का डिफरेंशिएशन होगा 2y into y का डिफरेंशिएशन dy by dx is equals to, अब डिफरेंशिएशन करना है 10x का, 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec square x के, 10x x का ही फंक्शन है तो यहाँ पे कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है, प्लस y का डिफरेंशिएशन होगा dy by dx. ओके, तो अब dy by dx तीन जगह पे है, 1, 2 and 3, सभी को एक एक साथ मिला लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, x plus 2y minus 1 into dy by dx. ये जो dy by dx वाला है वो सबका सब हमने लेफ्ट साइड में ले लिया और बाकी जो बचा वो सब राइट में ले लेते हैं, तो क्या मिलेगा sec square x minus y. तो हमारा dy by dx जो है which is sec square x minus y divided by x plus 2y minus 1. लिख लिया है या बाकी है? मैं लिख रही हूँ. ओके, मानसी क्यों इतना लेट हुआ? हो गया, नेक्स्ट करूं? मैं एक मिनट. ओके, मैं हो गया. ओके, सो फिफ्थ वन इज x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100. x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100. ये तो बहुत ही इजी है. क्वेश्चन नंबर 1. सो differentiating 1 with respect to x, क्या करेंगे, d by dx of x square plus xy plus y square is equals to d by dx of 100. तो x square का differentiation क्या हो जाएगा, 2x plus xy का differentiation, again देखो multiplication है दो functions के बीच में, तो multiplication क्या होगा, x into dy by dx, यहाँ पे हमने x as it is रखा plus अब y as it is रखेंगे तो x का differentiation हो जाएगा 1 plus y square का differentiation 2y into y का differentiation dy by dx which is equals to, okay, differentiation of 100. 100 क्या है, constant है और constant का differentiation होता है 0. तो हमें क्या मिला, dy by dx एक साथ ले लेते हैं तो क्या मिलेगा, x plus 2y into dy by dx और बाकी जो कुछ भी है वो राइट हैंड साइड ले जाते हैं, तो क्या मिलेगा, माइनस ऑफ y प्लस 2x. ओके, सो देयरफॉर वी कैन राइट दैट dy by dx इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2x प्लस y डिवाइडेड बाय x प्लस 2y. ओके, और एक चीज, हाँ यहाँ पे अगर आप dx by dy अगर फाइंड करना है तो dx by dy जो है वो बिल्कुल इसका रेसिप्रोकल होगा. ओके, सो dx by dy जो है
वो हमारा होगा माइनस ऑफ एक्स प्लस टू वाई डिवाइडेड बाय टू एक्स प्लस वाई। नाउ सिक्स्थ एग्जांपल, just x cube plus x square y plus x y square plus y cube is equals to 81. okay, so same thing यहाँ पे भी apply कर लेंगे, डिफ्रेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सो इसको बोलेंगे नंबर वन। तो नाउ डिफ्रेंशिएटिंग वन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, व्हाट वी गेट इज डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू डी बाय डी एक्स ऑफ 81। अगेन देखो यहाँ पे राइट हैंड साइड में हमारे पास 81 है विच इज कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन तो जीरो होगा। अब रहा लेफ्ट हैंड साइड, तो फर्स्ट एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है 3x स्क्वायर प्लस, अब फिर से यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन आया, देखो एक्स स्क्वायर इंटू वाई, तो पहले एक्स स्क्वायर एज इट इज रखेंगे तो मिलेगा डी वाई बाय डी एक्स प्लस वाई एज इट इज रखेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x प्लस x इंटू वाई स्क्वायर, फिर से दो मल्टीप्लीकेशन आ गए। ओके, तो x एज इट इज रखेंगे तो y स्क्वायर का होगा 2y इंटू डी वाई बाय डी एक्स प्लस, अब y स्क्वायर एज इट इज रखेंगे तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 1 प्लस, अब y क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा 3y स्क्वायर एंड डिफरेंशिएशन ऑफ y इज डी वाई बाय डी एक्स विच इज इक्वल्स टू 0। सो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचा अंदर, देखिए फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस थ्री वाई स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू, अब ये सब राइट साइड में चला जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ओके, सो देयरफॉर dy by dx जो है वो हमें क्या मिला, माइनस ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। ओके, नीचे लिखो, दिख रहा है क्या, is it visible? dx by dy निकाल दू तो वहां पे लिख लेती हूँ। हो गया, लिख लेती हूँ यहीं पे। ओके, सो वी हैव डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस 3y स्क्वायर हो गया। ओके, अबे आपको समझ में आ गया ना आप लोगों को कि y का डिफरेंशिएशन कैसे करना है, ये डाउट है वहां पे y का, y स्क्वायर का, साइन y का, कॉस y का, वहां पे डाउट है क्या?
क्या समझ में आ रहा है? यस मैम। ओके, तो उसका डिफरेंशिएशन नहीं करवा रही हूँ अलग से। ओके, आप लोग समझ गए हो कि y का डिफरेंशिएशन dy / dx होता है, y स्क्वायर का 2y / dx होता है, y क्यूब का 3y स्क्वायर / dx होता है, sin y का cos y / dx होता है, वैसे ही सारे के सारे होंगे। ओके, मतलब जो भी हम डिफरेंशिएशन नॉर्मली करते हैं वही साथ में dy / dx भी मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7 इज साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल्स टू पाई। ओके, इसका हमें डीवाई बाई डी एक्सपेंड करना है। सो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। डाउन डिफरेंशिएटिंग 1 with respect to x we get, okay, differentiation करेंगे with respect to x तो क्या मिलेगा, d by dx of sin square y plus cos xy is equals to d by dx of pi। okay, मैंने पहले ही बोला है pi क्या है, constant है, क्योंकि हमें उसकी value पता है कि अगर कांस्टेंट फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं तो वो जीरो ही होगा क्योंकि कांस्टेंट है, तो पाई जो है वो कांस्टेंट नंबर ही है हमारे पास, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा जीरो। अब लेते हैं साइन स्क्वायर वाई। साइन स्क्वायर वाई तो सबसे पहले तो स्क्वायर फंक्शन है तो उसका क्या हो जाएगा, टू साइन वाई। अब वाई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स वाई, तो कॉस का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन एक्स वाई। अब हमें डिफरेंशिएशन करना किसका बाकी है, इनटू एक्स, एक्स इनटू वाई का, तो एक्स इनटू वाई का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लिकेशन में करेंगे तो एक्स एज इट इज, वाई का डिफरेंशिएशन होगा dy / dx प्लस y एज इट इज और x का डिफरेंशिएशन होगा 1, ये पूरा मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा व्हिच इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो अब हमारा ये क्या हो जाएगा, 2 sin y dy / dx माइनस x sin xy dy / dx minus y sin xy is equals to 0। okay, तो अब dy / dx जो है वो कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचा, 2 sin y minus x sin xy is equals to क्या हुआ, y sin xy। तो यहाँ पे ऊपर लिखते हैं therefore dy / dx, yes मैम, sin square y का differentiation through 2 sin y cos y dy / dx नहीं होगा, cos y हो जाएगा, yes cos y भी होगा, sin y का differentiation cos y, और यहाँ पे हो जाएगा sin 2y। okay, we know that sin x sin x into 2 sin x into cos x is equal to sin 2x, तो यहाँ पे sin 2y हो जाएगा, तो we get dy / dx is equals to y sin xy divided by sin 2y minus x sin xy। okay, so this is our answer। लिख लिया है, हाँ। ओके, सो 8th वन इज x cube y square is equals to log of x plus y plus sine of e raised to x। okay, so equation number 1, differentiating 1
with respect to x, we get d by dx of x cube y square is equals to d by dx of log x plus y plus sine e raised to x. So x cube into y square दो अलग अलग function है, multiplication rule apply होगा with this product rule. क्या हो जाएगा, सबसे पहले x cube as it is रखेंगे, y square का differentiation होगा 2y और y का differentiation dy by dx plus y square as it is रखेंगे, x cube का differentiation हो जाएगा 3x square which is equals to now d by dx of log x plus y, log का differentiation होगा 1 upon x plus y and x plus y इसका differentiation होगा 1 plus dy by dx, x का differentiation 1 और y का differentiation dy by dx plus sin of e raised to x का differentiation, sin का differentiation होगा cos e raised to x and e raised to x इसका differentiation होगा e raised to x. ओके, तो अब dy by dx common एक साइड कर लेते हैं, चलो लिखती हूँ x cube 2y into dy by dx minus 1 upon x plus y into dy by dx is equals to 1 upon x plus y plus cos e raised to x into e raised to x minus 3x square y square. ये हमें मिला, तो इन दोनों में से मैं dy by dx common निकाल लूँ तो क्या बचेगा, dy by dx इन ब्रैकेट x cube 2y और 2x cube y minus 1 upon x plus y is equals to 1 upon x plus y plus e raised to x into cos e raised to x minus 3x square y square. लिख लिया इतना, सो देयरफॉर वी कैन राइट दैट dy by dx इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, 1 अपॉन x प्लस y. क्या एक मिनट स्लाइड पीछे लो, मेरा थोड़ा लिखना है, लास्ट अभी बाकी है ना, तो वो मैं फिर से लिख रही हूँ. हाँ, 1 अपॉन x प्लस y upon x plus y plus e raised to x cos e raised to x minus 3x square y square divided by x cube 2x cube y minus 1 upon x plus y. okay, अगर इसका LCM ले ले हम तो क्या मिलेगा, 1 plus x plus y into e raised to x cos e raised to x minus x plus y into 3x square y square divided by x plus y into 2x cube y minus 1. Okay, x plus y दोनों में से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर है. लिख रहा है अभी भी, आपको अगर इसको सॉल्व करना है x प्लस y को अंदर मल्टीप्लाई करना है तो यू कैन डू इट.
हो गया। तो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 9, इज इफ y into square root of 1 minus x square plus x into square root of 1 minus y square is equals to 1, then prove that dy by dx is equals to minus of square root of 1 minus y square upon 1 minus x square. Okay. So, taking this equation as number 1, ये तो हमें prove करना है. So, differentiating 1 with respect to x, what we get? D by dx of y into square root of 1 minus x square plus x into square root of 1 minus y square is equals to d by dx of 1. Again, we have in right hand side constant number, so its differentiation ho jayega 0. So therefore, okay, what can we write is d by dx of y into square root of 1 minus x square. Its differentiation kya hoga? दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, फिर से प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा. तो y अगर एज इट इज रखे तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, तो पहले तो स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शन है, f ऑफ x है, तो क्या होगा 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस x स्क्वायर इनटू d बाय dx ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर. 1 माइनस x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस 2x, राइट? प्लस अब क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर एज इट इज रखेंगे तो डिफरेंशिएशन किसका होगा? y का. y का डिफरेंशिएशन इज dy by dx प्लस x into square root of 1 minus y square. उसका डिफरेंशिएशन करना है, x as it is रखेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ 1 minus y square इज 2 times square root of 1 minus y square, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ 1 minus y square इज minus 2y into dy by dx प्लस square root of 1 minus y square as it is rakhenge, and differentiation of x is 1 which is equals to 0. Differentiation mein koi doubt hai kisi ko? Ya step by step karu? Anyone? Sabko samajh mein aa gaya hai na? Okay. To hamara jo differentiation, ye hamara differentiation hua minus 2xy. तो 2 यहां से कैंसिल हो जाएगा, फिर भी मैं लिख रही थी अपॉन 2 इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर माइनस, अब ये जो है टर्म, ये प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर इनटू dy बाय dx प्लस नहीं माइनस 2xy अपॉन 2 square root of 1 minus y square dy by dx plus square root of 1 minus y square is equals to 0. लिख लिया है सभी ने? बाकी है लिखना? तो dy by dx कॉमन निकालते हैं तो क्या मिलेगा, dy by dx इन ब्रैकेट वो क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ, ओके पहले यहां से 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 ये 2 और यहां पे ये 2 और ये 2, ओके तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर दूसरा क्या है, ये माइनस एक्स वाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो यहां पे आएगा माइनस एक्स वाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, ओके
क्या बचा बाकी, सब राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, तो बाकी बचा है ये माइनस एक्स वाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर. तो विच इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा एक्स वाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर. अभी तो हमें प्रूव करना है, यहाँ पे खत्म नहीं करना है. तो प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे. तो dy by dx, देखो दोनों में एलसीएम कॉमन नहीं होगा लेकिन फिर भी लेते हैं. यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, तो लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू. अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, एक्स वाई माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर. ओके, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू. अब यहाँ से अगर माइनस में कॉमन निकाल लूँ तो क्या मिलेगा, माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर. ओके, तो जो दोनों का न्यूमरेटर है वो सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा. ओके, तो हमें क्या मिलेगा, therefore dy by dx is equals to 1 minus y square, यहाँ पे चला जाएगा तो minus of square root of 1 minus y square upon square root of 1 minus x square. तो इसके equals to हम लिख सकते हैं therefore dy by dx is equals to minus of square root 1 minus y square upon 1 minus x square. समझ में आया, कोई डाउट है? कोई डाउट लिख लिया है ना सभी ने? हाँ. ओके, सो नेक्स्ट है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन. What is it? कि logarithmic differentiation वो क्या है? तो जब भी हमारे पास function होता है, okay, जैसे कि हम ले लेते हैं, हमारे पास तीन type के function है, y is equals to sin square x, second है y is equals to 2 raised to sin x, third है y is equals to 2 raised to sin 2 and fourth one is y equals to x raised to sin x. okay, अब इन सभी का हमें differentiation करना है. okay, तो इसमें से किस किस का differentiation हमें आता है, अगर ऐसे functions ये है कि find the differentiation और find dy by dx और the function. okay, तो इसका जो dy by dx है sin square x, इसका क्या होगा 2 sin x और sin x का होगा cos x, तो इसको हम लिख सकते हैं sin 2x, तो ये तो हमें आ गया completely. अब ये है y equals to
टू रेस टू साइन एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स टू रेस टू साइन एक्स मतलब ए रेस टू एक्स है, तो हमें पता है इसका भी टू रेस टू साइन एक्स इन टू लॉग टू इन टू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा कॉस एक्स, ओके तो ये भी हमें पता है। अब आई बार इसकी तो ये क्या है y इक्वल्स टू टू रेस टू साइन टू, अब टू क्या है नंबर साइन टू क्या है नंबर, तो इसका तो dy by dx क्या हो जाएगा जीरो। कि अब बारी आई इसकी y इक्वल्स टू x रेस टू साइन x, अब x रेस टू साइन x इसका डिफरेंशिएशन हमें नहीं आता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ पे हम यूज करेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन इसके अंदर करना क्या है बेसिकली, ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कब यूज होता है, व्हेनेवर वी हैव एफ ऑफ एक्स रेस टू जी ऑफ एक्स फॉर्म, कि मतलब एक फंक्शन के ऊपर दूसरा फंक्शन है तब, या फिर हमें कैलकुलेशन जो है हमारा कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए, ओके तो मेक कैलकुलेशन इजियर, ओके इसके लिए भी हम ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है उसका यूज करेंगे, ओके तो क्या होगा तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो लॉग की प्रॉपर्टीज है जो आपको शायद से पता नहीं होगी वो मैं आपको बोल देती हूँ, व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, ओके तो आपको याद रखनी है ये चार प्रॉपर्टीज। फर्स्ट वन इज लॉग ए प्लस लॉग बी इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ ए इंटू बी, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है। सेकेंड है हमारे पास log a minus log b is equals to log of a divided by b, okay third one is log of x raised to a, okay x की पावर में a है तो क्या हो जाएगा a log x, इसका हमने यूज किया हुआ है राइट तो ये हमें पता है। फोर्थ वन इज ये भी हमने यूज की है log x बेस a, तो बेस चेंज प्रॉपर्टी है विच इज log x डिवाइडेड बाय log a, दोनों का बेस हो जाएगा e, भी या फिर कोई भी सेम बेस, मोस्टली हम log के बेस में e ही लेंगे, ओके तो ये जो होगा इसको हम बोलेंगे लॉगरिथमिक, ये तो सारी लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज है। अब इसके लिए अगर हम कोई डिफरेंशिएशन देखते हैं एक फंक्शन वही वाला जो हमने अभी एग्जाम्पल में दिया था, क्या है x raise to sin x, ओके तो y equals to x raise to sin x ऐसा है हमारे पास, कि तो हम क्या करेंगे हमें फाइंड क्या करना है dy by dx, then find dy by dx, अगर dy by dx फाइंड करना है हमारे पास फंक्शन ये है तो इसके लिए हम क्या करेंगे तो taking log, ये first of all taking logarithm both the side, सबसे पहले both side में हमें logarithm apply करना है तो क्या हो जाएगा log y is equals to log of x raised to sin x। अब देखिए ये जो है log of x raised to sin x, तो यहाँ पे ये जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो यूज हो सकती है, तो हम लिखेंगे log y is equals to sin x into log x, क्योंकि ये हमारा फंक्शन हो गया अब पूरा, अब इसका तो डिफरेंशिएशन हमें आता है, सो नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, we get, okay, अब x से differentiate करेंगे तो क्या मिलेगा, log y का differentiation क्या होता है, 1 upon y, और y का differentiation होगा dy by dx, is equals to sin x into log x, okay, तो sin x as it is रखेंगे, तो log x का differentiation होगा 1 upon x plus log x as it is रखेंगे, तो sin x का differentiation होगा cos x, okay, now, therefore dy by dx, हमें dy by dx चाहिए था, तो dy by dx is equals to क्या होगा, y into sin x upon x plus log x into cos x. Now the main thing, यहाँ पे हमें जो y है उसकी वैल्यू रखना नहीं भूलना है, ओके कभी भी नहीं, तो हमारा जो dy by dx है वो क्या हो जाएगा y, y क्या है हमारे पास इन क्वेश्चन x raise to sin x, तो वो होगा x raise to sin x into sin x upon x plus log x into cos x, समझ में आया लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या है, लॉग लेके हम डिफरेंशिएशन करेंगे हमें मिलेगा तो वही सेम आंसर, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन हम यूज करेंगे लॉग का और डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे, देन वी विल गेट द आंसर ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। कोई डाउट,
ओके तो फर्स्ट एग्जांपल हमारा यही ले लीजिए, लिख लो आप लोग अगर नहीं लिखा है तो फिर हम आगे चले। हो गया ओके सो नेक्स्ट एग्जांपल। अच्छा मैंने पहले ही क्या बोला आप लोगों को कि log का यूज हम क्यों करते हैं, एक तो f(x) = g(x) वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन फाइंड करने के लिए और दूसरा कैलकुलेशन को इजीियर करने के लिए। तो हम अभी जो नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे वो कैलकुलस को कैलकुलेशन को हमारी इजी करेंगे। ओके डिफरेंशिएशन आपको वैसे भी आता है लेकिन फिर भी हम यहां से ये मेथड कर रहे हैं, दोनों मेथड चलेगी आपको जो आता है वो कर सकते हैं, यहाँ पे लॉग अप्लाई भी कर सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं। तो y इक्वल्स टू x प्लस 3 होल स्क्वायर इनटू x प्लस 4 होल क्यूब इनटू x प्लस 5 होल रेस टू 4 ये फंक्शन है। इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है तो हमें पता है इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे, रेस टू 4 करेंगे और फिर उसका डिफरेंशिएशन करने जाएंगे या फिर u इंटू v इंटू w करेंगे, पहले u इंटू v देंगे फिर w का डिफरेंशिएशन करेंगे फिर v का डिफरेंशिएशन करेंगे फिर u का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो जो मेथड है हमारी वो बहुत लेंदी हो जाएगी और डिफरेंशिएशन जो है वो काफ़ी देर से हमें मिलेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ द साइड taking log both sides तो हमें क्या मिलेगा, log y is equals to log of x plus 3 whole square into x plus 4 whole cube into x plus 5 raised to 4 ये है। अब हमारे पास ये एक प्रॉपर्टी है, क्या है, फर्स्ट वन log a plus log b equals to log a into b, तो अब log a into b equals to log a plus log b भी लिख सकते हैं तो वही हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो therefore log y is equals to यहाँ पे a into b into c है तो सभी के बीच में प्लस हो जाएगा, तो log of x plus 3 whole square plus log of x plus 4 cube plus log x plus 5 raised to 4। अब एक और प्रॉपर्टी थी हमारे पास जो हमने अभी किया था, जो स्क्वायर क्या है वो आगे आ जाएगा, तो log y is equals to 2 log x plus 3 plus 3 log x plus 4 प्लस 4 log x प्लस 5। ओके ये सिंपल से आ गया हमारे पास। तो अब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x क्या मिला, log y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y और y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx व्हिच इज इक्वल्स टू 2 log x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x प्लस 3 इनटू x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 3 into log x plus 4 का differentiation 1 upon x plus 4 into x plus 4 का differentiation 1 plus 4 into log of x plus 5 का differentiation 1 upon x plus 5 into x plus 5 का differentiation 1। okay तो which is equals to हम क्या लिख सकते हैं, अब देखिए ये हमारा differentiation हो गया, y is for y right hand side में ले जाना है, so therefore we have dy by dx is equals to y क्या है हमारा, पूरा y लिखना पड़ेगा हाँ, x plus 3 whole square okay into x plus 4 चला x ही लिख देती हूँ, क्या हो जाएगा dy by dx is equals to x plus 3 whole square into x plus 4 whole cube into x plus 5 whole raised to 4 okay in bracket हमारे पास क्या है 2 upon x plus 3 plus 3 upon x plus 4 plus 4 upon x plus 5 तो 2 upon x plus 3 plus 3 upon x plus 4 plus 4 upon x plus 5 okay इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो हमें क्या मिलेगा x plus 4 whole cube into x plus 5 whole raised to 4 आगे 2 है into x plus 3 भी हो जाएगा okay divide by x plus 3 है तो वो निकल जाएगा तो यहाँ पे ये नहीं आएगा plus 3 into x plus 3 whole square
x plus 4 square into x plus 5 raised to 4 plus 4 into x plus 3 whole square x plus 4 whole cube into x plus 5 raised to 3. समझ में आया? ये हो गया हमारा dy by dx. आप आंसर यहाँ तक भी लिख सकते हैं और ये भी आप लिख सकते हैं, दोनों आंसर करेक्ट है. जरूरी नहीं है कि आपको पूरा करना ही है कंप्लीट. So next example number 3 is y is equals to sine x raised to x plus sine inverse of root x. अब यहां पे क्या करेंगे, यहां पे अगर log apply कर लिया हमने कि तो log y is equals to क्या हो जाएगा. अब एक चीज हमें याद रखनी है कि हमारे पास ये है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी, log a plus log b is equals to log a into b, but हमारे पास log a plus b इसके लिए कुछ भी नहीं है. log a plus b का क्या होगा, उसके लिए हमारे पास कोई भी आंसर नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है. log a plus b ही होता है, वहां पे कुछ अप्लाई नहीं कर सकते. तो अब यहाँ पे अगर हमने log अप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, log of sin x raised to x plus sin inverse root x. अब इसके आगे हम क्या कर पाएंगे, कुछ नहीं, कि तो सेम हम वही सिचुएशन में आ गए. तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हम इंडिविजुअल लेंगे. जैसे कि हमारे पास ये है, सपोज y इज इक्वल टू u प्लस v, हमारे पास ये तीन ये फंक्शन है, एक फंक्शन है u और एक फंक्शन है v. u क्या है, sin x raised to x, v है sin inverse x. ओके, तो हमें फाइंड क्या करना है, dy by dx. ओके, तो dy by dx क्या होगा, du by dx plus dv by dx. ओके, ये होगा, हमें पता है. तो अब अगर हम इंडिविजुअल du by dx और dv by dx फाइंड कर ले तो वी कैन राइट द आंसर. ओके, सो लेट अस टेक u इज इक्वल्स टू sin x raise to x. ओके, अब यहाँ पे तो हम log अप्लाई कर सकते हैं, सो टेकिंग log both side क्या मिलेगा हमें, therefore log u is equals to log of sin x raised to x. तो इसको हम लिख सकते हैं x log sin x किसके equals to, log u के equals to. now differentiating with respect to x, अगर x के respect में हम differentiate करेंगे तो क्या मिलेगा, we get this log u का differentiation 1 upon u du by dx is equals to x into log sin x का differentiation. Multiplication rule apply होगा, x as it is रखेंगे तो log sin x का differentiation 1 upon sin x और sin x का differentiation होगा cos x. plus अब क्या रखेंगे, log sin x as it is रखेंगे तो x का differentiation तो 1 हो जाएगा, तो हमें du by dx जो है वो क्या मिला, okay. U है, U क्या है हमारा, sin x raise to x in bracket x. अब cos x upon sin x क्या होता है, cot x plus log sin x. तो हमें du by dx तो मिल गया, अब क्या find करना है, dv by dx. तो dv by v क्या है हमारे पास, v is equals to sin inverse of root x. अब sin inverse x का differentiation क्या होता है, dv by dx sin inverse, sin inverse का differentiation होता है 1 upon square root of 1 minus x square. तो 1 upon square root of 1 minus x square root of x का differentiation होगा x into d by dx of root x. root x का differentiation क्या होगा, 1 upon 2 root x. तो ये हमारा dv by dx मिल गया. therefore we can write that dy by dx is equals to du by dx plus dv by dx, which is equals to du by dx क्या मिला हमें, sin x raised to x into x cot x plus log sin x
प्लस डीवी बाई डी एक्स है 1 अपॉन 2 रूट एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स. ओके, कोई डाउट? यस मैम. ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल इज y इज इक्वल्स टू log x raised to cos x. तो क्या करेंगे, सेम टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, व्हाट वी गेट इज लॉग y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ लॉग x रेज टू cos x. तो देयरफॉर वी कैन राइट इज लॉग y इज इक्वल्स टू cos x आगे आ जाएगा, तो cos x इनटू log of log x, okay, differentiating with respect to x. We get is 1 upon y dy by dx is equals to, now cos x into log x, cos x as it is rakhte hai, to log of log x iska differentiation kya hoga, 1 upon log x and log x का डिफरेंशिएशन 1 upon x मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, प्लस log of log x as it is रखते हैं तो cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा minus sin x. ओके, सो therefore we can write that dy by dx is equals to y into cos x upon x log x plus minus of sin x into log of log x. So dy by dx is equals to y क्या है log x raised to cos x into cos x upon x log x minus sin x into log of log x. This is our answer. क्लियर है? सो नेक्स्ट होमवर्क, फर्स्ट वन इज y इक्वल्स टू x रेस टू x रेस टू x. Second, y is equals to x raised to x raised to x. Okay, ये दोनों फंक्शन अलग अलग है तो मुझे आपको, आप लोगों को ये सॉल्व करके भेजना है. ये होमवर्क मुझे चाहिए आप सभी का, पर्सनल में मैसेज कर देना मुझे. थर्ड वन इज y is equals to sin x raised to tan x plus cos x raised to sec x. Then find, ये सभी के अंदर same है, find dy by dx. Okay, fourth one है, चलो तीन रखो, ये तीन कर देना.
या दे दू कर लोगे फोर्थ भी? हाँ दे दू, ओके कर रही हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन है इफ x raised to y is equals to e raised to x minus y, then prove that dy by dx is equals to log x upon 1 plus log x whole square।